कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, मैं भूपेश आनंद, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, आज आपके सामने दोस्तों एक नई खुशी और नई उमंग और नई एनर्जी के साथ एक ऐसा पेपर जिसका मैं सिलेबस और एग्जामिनेशन स्टाइल जो लास्ट दो अटेम्प्ट में न्यू सिलेबस में बेटे आ गया, मैं आज उसके बारे में कुछ आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ बेटे। पेपर का नाम है सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। उम्मीद है आपने मेरा एक लेक्चर एज अ कैरियर, स्टॉक मार्केट एज अ कैरियर जरूर देख लिया होगा। आज मैं स्पेसिफिकली सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस ग्रुप सेकंड की बातें करूंगा और आपको ये बताऊंगा ये जो पेपर है आपके लिए वरदान है क्योंकि इसमें सबसे कम पेजेस हैं स्टडी मटेरियल के। अगर आप 8 पेपर को कंपेयर करें, सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के स्टडी को चेक करें तो बेटे आपको 400-450 पेज दिखेंगे। बट एक इकलौता स्टडी पेपर जिसमें 350 पेज लगभग है, बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं आंसर्स बेटे बड़े टेक्निकल और टू द पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा राम गाथाएं नहीं लिखनी। एक ऐसा पेपर जो आप विद वेल इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटे मैं आज, मुझे आज रोकना मत, मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है और इंस्टीट्यूट ने इस पेपर को एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्यों रखा और सीए फाइनल के फाइनल लेवल पे क्यों रखा। सीए में फाइनल में है बेटे, वो भी ऑप्शनल, और आपको कंपलसरी है एग्जीक्यूटिव में। तो मैं थोड़ा सा आपके सामने आज एक बात ये करना चाहूंगा, कहते हैं अपनों से अपनी सी बात कर देनी चाहिए, तो मैं सिक्योरिटी लॉस में आपसे अपनी सी बात करने वाला हूं। आपका ये पेपर 100 मार्क्स का है जैसा हम सब जानते हैं, और बेटे इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए 70 मार्क्स का है, पार्ट बी 30 मार्क्स का है। बेटे 70 मार्क्स के नाम के पार्ट का नाम रखा है सिक्योरिटीज लॉस। तीन एक्ट डिस्कस करेंगे बेटे, तीन एक्ट हम सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस करेंगे, रेगुलेशन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट। तीन एक्ट है और 11 रेगुलेशंस है बेटे। सेबी ने अलग अलग समय कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान ने अवतार लिया और धर्म को दोबारा स्थापित किया। बेटे जब जब लूप होल्स दिखे, जब जब पॉइंट्स आए, जब जब प्रॉब्लम्स आई, तो बेटे नई रेगुलेशंस आ गई। एक बच्चा कहता सर रेगुलेशन क्या होती है। बेटे आप सीएस कर रहे हो तो सीएस इंस्टीट्यूट भी आईसीएसआई एक्ट से रेगुलेटेड है और उसकी रेगुलेशंस हैं कि कब पेपर देने, कौन सा अटेम्प्ट है, कितने महीने पहले, सारी रेगुलेशंस अलग है बेटे सीएस की, और सीएस का एक्ट अलग है। एक्ट अलग चीज होती है, रेगुलेशन उस एक्ट को कराने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है बेटे उसको रेगुलेशंस बोलते हैं, बट डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे आज तो खाली सिलेबस की बात करने आया हूं कि आपको तीन एक्ट करने पड़ेंगे और रेगुलेशन तो बड़ी सारी बनेंगे सेबी ने, बट हमारे कोर्स में 11 रेगुलेशन करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास रजिस्टर है तो बेटे एक बार नोट कर ले, 30 मार्क्स का पार्ट बी है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट टोटल 16 चैप्टर्स हैं, टोटल 16 लेसन हैं, 14 लेसन पार्ट ए में जैसे मैंने लिखा, और 30 मार्क्स में बेटे दो चैप्टर्स हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं कि कौन से दो चैप्टर हैं। बेटे सिक्योरिटी लॉस क्यों आया, मैं आपको ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होंगे बेटे, जो कंसेप्चुअल लेक्चर्स होंगे, जो मैं कहता हूँ प्री रिक्विजिट लेक्चर है मेन चैप्टर्स को करने से पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी लॉ, व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी टू इंट्रोड्यूस सिक्योरिटी लॉ, व्हाट हैड हैपेंड इन द पास्ट ड्यू टू व्हिच लॉस हैव सिक्योरिटी लॉस हैव कम इनटू पिक्चर,
बेटे कैपिटल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट्स मनी मार्केट कैपिटल मार्केट क्या है, कैसे प्राइमरी मार्केट वर्क करती है, ये सारी पहले बातें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए तभी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो बेटे नेक्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर नंबर जो है सिलेबस वाला, इसके बाद मैं नेक्स्ट एक लेक्चर और रिकॉर्ड कर रहा हूं जो लंबा होगा, उसमें मैं बताऊंगा प्रीरिक्विजिट्स, व्हाई दीस लॉज, और व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी ट्रांसफर, बार्टर सिस्टम क्या हुआ, मनी सिस्टम कब आया, करेंसी कब आई, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज सिलेबस लिख लीजिए बेटा, तीन एक्ट करने हैं, एक तो बेटे 1956 में जो बना सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एक बेटे 1992 में जो बना सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बेटे पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू था, व्हाई सेबी हैज कम इनटू पिक्चर, डिस्कस करेंगे बेटे नेक्स्ट लेक्चर में, वो है बेसिक लेक्चर, बेसिक लेक्चर, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होंगे। और बेटे 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट, एनएसडीएल की बातें करेंगे, सीडीएसएल की बातें करेंगे, डीमैट की बातें करेंगे, डिपॉजिटरी की बातें करेंगे, और हम बेटे हम पेपरलेस सिक्योरिटी की बातें करेंगे। आजकल सब कुछ डिजिटाइज हो गया बेटे, जैसे मोदी जी कह रहे हैं, तो हम तीन लॉज करने वाले बेटे, पहला 1956 में बना जो बोथ हाउसेस ऑफ से पास हुआ बेटे, फिर 1992 और फिर 1996 बेटे, इसके साथ साथ 11 रीति रिवाज रेगुलेशंस करेंगे। और मैंने आपको कैरियर में बताया था, कैरियर वाले लेक्चर में बताया था कि अगर आपने रेगुलेशंस ईमानदारी से अटेंड कर ली, समझ ली, याद कर ली और उसके नंबरिंग याद कर ली, तो बेटे इस दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता। आप इस पेपर को एज ए कैरियर लेके चलो, खाली इसलिए नहीं कि पास हुआ है बेटे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपके पास फुल एनर्जी है, लाइफ आपके पास लिमिटेड है, हम सबके पास लिमिटेड लाइफ है, टाइम भी लिमिटेड है बेटे, क्यों ना उस समय हम एज ए कैरियर एडवांटेज देख के चले। आइए 11 रेगुलेशंस कौन सी है, मैं हल्का सा आइडिया दूंगा, वैसे तो हमारे पास स्टडी मटेरियल है बेटे, बेटे स्टडी मटेरियल में हमारे को सब कुछ बताया गया है कि स्टडी मटेरियल में कौन कौन सी बातें हैं, जैसे टोटल बेटे अगर टोटल हम देखें तो 16 चैप्टर्स हैं, और जैसे देखिए कि पार्ट वन से शुरू हो रहा है, मॉड्यूल टू पेपर सिक्स सिलेबस की बात करें तो पहला चैप्टर है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 जो पहला एक्ट हम करेंगे, फिर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, फिर है डिपॉजिटरी एक्ट, और उसके बाद 4 से लेकर बेटे 14 तक 11 रेगुलेशंस हैं, म्यूचुअल फंड भी है, बड़े सारे रेगुलेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं, और उन रेगुलेशंस को मैंने अलग से लिखा। मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार रेगुलेशंस का नाम तो सुना हुआ है आपने, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात सुनी हुई है, बायबैक ऑफ शेयर्स की बात सुनी हुई है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की बात सुनी हुई है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की बात सुनी हुई है, बेटे आपको ये सारी रेगुलेशंस करनी है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये रेगुलेशंस ध्यान से कर ली तो ट्रेनिंग के समय, इंटरव्यू के समय, और इन आपको नॉलेज कितनी गेन होगी। सरस्वती जी इस बार आप ग्रहण कर लीजिए। आगे देखिए बेटे, मैंने पार्ट बी में अगर आपके सामने रखा तो बेटे कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट 30 मार्क्स का, और इसमें दो चैप्टर आएंगे, पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट और दूसरा चैप्टर है बेटे फाइनेंशियल मार्केट की इंटरमीडियरीज क्या है, मर्चेंट बैंकर क्या होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, वो सारा डिस्कशन करेंगे। और मैं अपने लेक्चर्स में लाइव स्टॉक ट्रेडिंग कराऊंगा, आपका डीमैट अकाउंट का प्रोसेस बताऊंगा, और आपको वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स में लेके जाऊंगा जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शेयर ट्रेडिंग। बेटे अगर मैं आपकी दोबारा से बात करूं तो मैं चाहता हूं कि आप ये 11 रेगुलेशंस एक बार लिख लें, थोड़ी दोस्ती हो जाती है यार। मुझे पता है ये लिखा भी हुआ है, इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन लिखने से क्या दोस्ती होती है। जैसे पहली रेगुलेशन है इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस, अगर कोई कंपनी कैपिटल इशू करती है तो उसको क्या क्या डिस्क्लोज करना है, उसके रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज समझने। बेटे लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, अगर कोई कंपनी लिस्ट होती है, LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, अगर लिस्टेड कंपनीज हैं तो उनको क्या क्या लॉस फॉलो करने हैं बेटे मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर जब बेसिक लेक्चर होगा तो मैं बताऊंगा कि सिक्योरिटी लॉस क्या खाली प्राइवेट कंपनी को, या क्लोजली हेल्ड कंपनी को, या पब्लिक कंपनी को, या वन मैन कंपनी को, या वाइडली हेल्ड कंपनी को, या लिस्टेड कंपनी को, या अनलिस्टेड, किसको एप्लीकेबल है, वी विल डिस्कस इन बेसिक नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
तो बेटे पहली रेगुलेशन आप लिख लें, पहली है इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, दूसरी है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर आप लिस्ट होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे, तो बेटे कुछ आपको नियम, कुछ कायदे, कुछ रीति, कुछ रिवाज फॉलो करने पड़ेंगे जो बड़े पापा ने बताए हैं। बेटे बड़े पापा कौन? बेटे जॉइंट फैमिली में कभी आप जाएं तो उनमें क्या होता है, सब इकट्ठे रहते हैं, ताए जी, चाचा जी, पापा जी, और वहां पर आप जाएं तो कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ताए जी को बोला जाता है बड़े पापा, चाचा जी को बोला जाता है छोटे पापा, और जो अपने पापा होते हैं उनको बोलते हैं पापा। बेटे आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए असली पापा कौन है, लेकिन सेबी हमारे यहाँ पे बड़े पापा का रोल अपनाएगी। बेटे बड़े पापा ने बड़ी सारी रेगुलेशंस बना दी है, उसमें से 11 रेगुलेशंस हमें करनी है। तो पहली रेगुलेशन है इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, दूसरी है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, और बेटे तीसरी रेगुलेशन सारी यही है सब्सटेंशियल एक्विजिशन। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में एक्वायर कर रही है शेयर्स या उसको टेक ओवर कर रही है, उसको जबरदस्ती टेक ओवर कर रही है, तो बेटे उसके भी कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। तो आपको 11 कायदे करने हैं, 11 रेगुलेशंस करनी है। फोर्थ, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बेटे एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को बायबैक कर सकती है, और आजकल तो लेटेस्ट बड़ा हॉट टॉपिक आया हुआ, क्योंकि नया सिलेबस में, न्यू सिलेबस में अभी अभी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज की नई रेगुलेशन सेबी ने इंट्रोड्यूस की है। तो बायबैक शेयर्स कितने हो सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिजर्व होने चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए, क्या क्या हम इसमें कंपनी अकाउंट्स में, हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे, इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे कि अगर एक कंपनी बायबैक कर लेती है तो उसके मार्केट प्राइस में कहां चेंज आएगा। तो बेटे एक ऐसा टीचर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कराता है, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी कराता है, इसलिए मैंने अपने कंधों में भार लिया बेटे सिक्योरिटी लॉस का। बेटे वो टीचर जो तीनों सब्जेक्ट कराता है वही जस्टिस कर सकता है, क्योंकि आपको वही रिलेशनशिप बता सकता है कि इसकी रिलेशनशिप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या है, इसकी रिलेशनशिप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, और इसके लिए लॉस क्या है। तो बेटे बायबैक हम तीनों में करेंगे, ठीक है जी। तो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसका मतलब क्या एक लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को डीलिस्ट करा सकती है वॉलंटरीली, या जबरदस्ती से भी उसके शेयर्स को डीलिस्ट कर सकती है, बेटे वो डिस्कस करेंगे। शेयर बेस्ड इंप्लॉई बेनिफिट रेगुलेशंस, इंफोसिस की बातें करेंगे, विप्रो की बातें करेंगे, टीसीएस की बातें करेंगे, कि क्या एक कंपनी अपने इंप्लॉयज को, उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको रोकने के लिए क्या कोई शेयर्स दे सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स बेटे डिस्कस करेंगे, सारी नियम और कायदे सेबी ने बनाए, हम इन रेगुलेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। 11 रेगुलेशंस, 3 एक्ट, टोटल 14 चैप्टर है बेटे, सिक्योरिटी लॉ 70 नंबर का है। अभी मैं बताऊंगा कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने करने हैं, कौन से पार्ट्स हैं, कैसे करना है, प्रैक्टिकल कितना है, थ्योरी कितना है, सब डिस्कस करेंगे बेटे। मैं बस आप चाहता हूं कि आप इसमें 70 प्लस लेकर आए, और लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इसमें कहानी और गाथाएं नहीं लिखनी, टेक्निकली लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। आइए बेटे, क्या आपने 8th रेगुलेशन लिख ली, इनसाइडर ट्रेडिंग। बेटे इसमें हम डिस्कस करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट केस लॉस की, कि किस व्यक्ति ने इनसाइडर ट्रेडिंग की और उसके बाद उसको काले पानी की सजा हो गई। बेटे हम डिस्कस करेंगे, हर्षल मेहता के डिस्कशन करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग के बाद। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं बेटे? म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल आ रहा है बेटे दिसंबर 2018 और जून 2019 का। अगर आप पहला क्वेश्चन देखें और पहला पार्ट देखें तो बेटे कंपलसरी म्यूचुअल फंड के ऊपर प्रैक्टिकल आया हुआ है। हम डिस्कस करेंगे स्कीम्स क्या होती है, एंट्री लोड क्या होता है, एनएबी क्या होता है, ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है, क्लोज एंडेड क्या होती है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंस रेशियो, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड, सिप क्या होती है बेटे। उसके बाद 11th है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, और लास्ट में है सेबी ओम्बस्टन रेगुलेशंस। तो बेटे ये तो हुई बात किसकी, पार्ट ए की। पार्ट बी में दो चैप्टर्स है, एक है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट बेटे, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी का मतलब अमेज़न, हम पहली बार जब कोई चीज खरीदते हैं, कबाड़ी वाले से नहीं, ओलेक्स से नहीं,
हम पहली बार मार्केट में जाके परचेज करते हैं तो हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट बेटे, पब्लिक इश्यू बेटे, बोनस शेयर्स बेटे, राइट शेयर्स बेटे बेटे, हम उन बातों को डिस्कस करेंगे, वन मैन पर्सन कंपनी की बात करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, उसकी ट्रेडिंग की बात करेंगे, रोलिंग सेटलमेंट की बात करेंगे, MTM की बात करेंगे, डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, कॉल की बात करेंगे, पुट ऑप्शन की बात करेंगे, प्रैक्टिकल आ रहा है बेटे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आप एक ऐसे टीचर से ये कोर्स, ये सब्जेक्ट, ये पेपर कर रहे हैं जिसका प्रैक्टिकल बैकग्राउंड नहीं है बेटे, आप नुकसान में रहेंगे, क्योंकि 25 मार्क्स तक प्रैक्टिकल आ गया बेटे जून 2019 में, अभी देखेंगे सेकेंडरी मार्केट, और उसके बाद है बेटे सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरीज, तो 15वां चैप्टर बेटे स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट के ऊपर है, हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट से नेक्स्ट लेक्चर में, जो बेसिक लेक्चर होगा। मैं भूपेश आनंद ऐलान करता हूं कि अगर आप ध्यान से जून 2019 का पेपर बेटे मैंने डाउनलोड कर दिया, मैं भी दिखा भी रहा हूं, जून 2019 बेटे ये पेपर आया था, 8 पेज होंगे इसके प्रिंटेड, अभी हम देखेंगे इसमें प्रैक्टिकल कितना आएगा और थ्योरी कितनी आएगी, तो बेटे लिख लें थ्योरी मेरे बेटे 80 मार्क्स की होगी और प्रैक्टिकल 20 से 25 नंबर का होगा, और कौन कौन से क्वेश्चन में प्रैक्टिकल पूछा जाएगा बेटे, पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में तो कंपलसरी आ ही रहा है बेटे, 2 बार से म्यूचुअल फंड के बारे में पूछा जा रहा है, और बेटे कंपलसरी क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट में डेरिवेटिव्स है, कंपलसरी डेरिवेटिव्स के ऊपर आएगा, आ ही रहा है बेटे, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन 2 बार तो ऐसा हो चुका है, कहते हैं इतिहास दोबारा से रिपीट होता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आज आप जो अपने पेरेंट्स के साथ प्यार से बात कर रहे हैं कल आपके बच्चे भी आपके साथ प्यार से बात करने वाले हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, शाहजहां का बाप, शाहजहां का बेटा, बेटा इतिहास देखो तो आपको सब समझ आ जाएगा, तो बेटे दिसंबर 2018 में और जून 2019 में जो हुआ मैं उसके बेसिस में ये कह सकता हूँ कि आने वाले अटेम्प्ट्स में ऐसा ही होने वाला है, तो बेटे इन दो क्वेश्चंस में तो कंपलसरी है ही, मैं तो कहूंगा 4 क्वेश्चंस या 4 पार्ट्स हैं जिसमें बेटे कंपलसरी आपको प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, तो लगभग 15 से 20 नंबर का प्रैक्टिकल मान के चलें। मैं आ गया जी सबसे प्यारी सी बात में, जो आपके लिए मैंने एनालिसिस किया दिसंबर 2018 और जून 2019 के पेपर का, और मैंने एनालिसिस करने के बाद पता लगाया कि आपको टोटल 6 क्वेश्चन ही करने हैं, एक बच्चा खुश हो गया 3 घंटे में 6 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आधे घंटे में, नहीं बेटे खुश होने की बात है नहीं, जरा नीचे देख लो टोटल नंबर ऑफ पेजेस 8 होंगे बेटे, आपके 8 पेजेस आएंगे 6 क्वेश्चंस में, इसलिए आप जरा चेक करें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको 22 पार्ट्स कर दें, 22 पार्ट्स, हाँ बेटे हर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को करने में 22 पार्ट्स मैंने टोटल किए दिसंबर 2018 में और जून 2019 में, और ये पार्ट्स का मतलब आएंगे कहां कहां से बेटे, मैंने आपके लिए उसमें भी मेहनत की बेटे, वो जो पहला पार्ट है ना ए सिक्योरिटी लॉस बेटे, जिसमें 3 एक्ट हैं बेटे, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट बेटे, सेबी एक्ट बेटे, डिपॉजिटरी एक्ट प्लस बेटे 11 रेगुलेशंस, वो अभी दिखवाई थी ना बेटे, वो आपको पहले 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो 70 मार्क्स का है, अब एक क्वेश्चन में कितने पार्ट्स आएंगे, एक बच्चा कहता सर आगे भी ऐसे ही होगा बेटे, मैंने कहा उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप अकाउंट्स करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करते हैं तो क्या अजम्पशन होती है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, तो बेटे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से तो 4 पार्ट्स होंगे और 1 पार्ट होगा 5 नंबर का, इसका मतलब पहला क्वेश्चन जो है बेटे 20 नंबर का आपको करना ही करना है, कोई चॉइस नहीं है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 में चॉइस होगी 2 या 2A करें, लेकिन बेटे 2 करें या 2A करें आप देख लें, दोनों में 5-5 पार्ट्स होंगे बेटे, 4 नंबर का एक होगा, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन भी 20 नंबर का है बेटे, लिख लें, बड़ी मेहनत से मैंने एनालिसिस किया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो बेटे दिसंबर 2018 में भी जून 2019 में भी और आगे भी बेटे उम्मीद पे दुनिया कायम है, 3 पार्ट्स होंगे वो बेटे 5-5 नंबर का होगा, इसमें भी वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल रहे हैं बेटे, क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट्स होंगे बेटे, दिसंबर में भी ऐसे ही हुआ जून में भी ऐसे हुआ, 1 पार्ट 8 नंबर का होगा 1 पार्ट 7 नंबर का होगा, अब आप देख लें अगर 4 पार्ट्स हैं तो 5-5 नंबर के हैं, अगर 5 पार्ट्स हैं तो 4-4 नंबर के हैं, अगर 3 पार्ट्स हैं तो 5-5 नंबर,
पहला क्वेश्चन जो है 20 नंबर का है, क्वेश्चन 2 20 नंबर का है, तो 40 तो ये हो गए, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 बेटे 15 15 नंबर के हैं, तो 70 नंबर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए 15 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हैं वो भी 15 नंबर का है। बेटे पार्ट यहां खत्म हो जाते हैं, मैं आ गया पार्ट बी में। बेटे पार्ट बी का मतलब कैपिटल मार्केट, बेटे उसमें दो क्वेश्चंस करने हैं, बेटे क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है और 5th क्वेश्चन के भी 5 पार्ट्स हैं। बेटे पांडव 5 थे, कुंती माता के 5 पुत्र थे, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट्स हैं और बेटे 30 नंबर का है, दोनों क्वेश्चन 15 नंबर के हैं, तो 3 मार्क्स का ये पार्ट हुआ। और क्वेश्चन 6th और 6th ए में चॉइस आएगी बेटे, 6th और 6th ए में चॉइस आएगी, तो आप देख लीजिए 22 पार्ट्स हैं, 100 नंबर का पेपर है। अब सवाल आता है कि हमें एक पार्ट को करने में कितना समय लगेगा। बेटे मैंने वो भी मेहनत की और आपके लिए लिख दिया, 180 मिनट में 22 पार्ट्स करने हैं, इसका मतलब उसमें प्रैक्टिकल भी कुछ बैठे हुए हैं। 7 से 8 मिनट आपको मिलेंगे बेटे, मैक्सिमम कह रहा हूं। तो बेटे इसका मतलब अगर क्वेश्चन आपको आता है ना तो आप 3-4 मिनट में कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट लिखना है, आपको टेक्निकल लैंग्वेज लिखनी है, टू द पॉइंट लिखनी है, ज्यादा कोई कहानियां नहीं लिखनी। इसके बाद अगर आप देखें तो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बताया कि जो 20 नंबर का मैंने कहा प्रैक्टिकल आता है, बेटे पहला तो म्यूचुअल फंड में जाएगा और म्यूचुअल फंड में हमने करना है इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड, उसमें एनएवी निकालनी सीखेंगे, नेट एसेट वैल्यू, एग्जिट लोड, एंट्री लोड। बेटे मैं प्रैक्टिकल सीए फाइनल में कराता हूं, तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि आप सौभाग्य वाले हैं, क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं तीनों पेपर्स कराता हूं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी और सिक्योरिटी लॉस भी। तो देखिए बेटे हम एक्सपेंस रेशियो की बातें करेंगे, होल्डिंग पीरियड रेशियो की बातें करेंगे और पब्लिक ऑफरिंग प्राइस की बातें करेंगे। एक बच्चा कहता है आप कैसे कह सकते बेटे ये लो ये पेपर है, बेटा बेटा ये पेपर है आपका जून 2019 में आया था। बेटे क्या बात कर दी, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। बेटे देख लो ये जून 2019 में आया हुआ है, ये देख लो ये जून 2019 में पहला क्वेश्चन देख लो जी, जून 2019 का भी देख लो, दिसंबर 2018 का भी देख लो, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल आया, आप आराम से देख लो, कोई मुश्किल की बात है ही नहीं थी, कोई घबराने की बात नहीं है। ये देखो बेटे प्रैक्टिकल आया, बेटे प्रैक्टिकल आया, बेटे प्रैक्टिकल आया, बेटे प्रैक्टिकल आया, आराम से आप देख लीजिए, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। बेटे ये आप देख लो जून 2019 का पेपर इस तरह से दिया हुआ है, आप आराम से देखो इसमें कितने प्रैक्टिकल है और कितना थ्योरी है। बेटे मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये देखिए ये प्रैक्टिकल सारे आए हुए हैं। और मेरे पे विश्वास ना हो तो सीएस की साइट पे जाकर आप गूगल में जाकर सर्च करो सिक्योरिटी लॉस जून 2019, पानी पानी और दूध दूध हो जाएगा। बेटे आइए आइए, मैं भूपेश आनंद आपको ये कहने जा रहा हूं कि आपको जो प्रैक्टिकल है बेटे वो म्यूचुअल फंड से जरूर आएगा। सेकंड बेटे सेकंड प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि जून 2019 में एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर आया बेटे, जब हम सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर कोड की रेगुलेशंस करते हैं। बेटे उसमें एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को लेने की कोशिश करती है तो उसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटे यू कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एनी ऑफ द कंपनी एक्वायरर और एक्वायरी, तो बेटे हाउ टू कैलकुलेट दैट वैल्यू। बेटे सेकंड प्रैक्टिकल लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशंस। बेटे मैंने साथ में क्वेश्चन का नंबर और पार्ट भी लिख दिया कि अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप खुद देख लो कि कितना प्रैक्टिकल आ रहा है, तभी तो मैं कहता हूं 70 मार्क्स आपके अचीव हो सकते हैं अगर आप ध्यान से काम करें तो। बेटे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच कैन बी बॉट बैक, बाय बैक कितने कर सकते हो, आपको रिजर्व्स दिए होंगे, कैपिटल दी होगी, लॉसेस दिए होंगे, आपको कैलकुलेट करना है बेटे प्रैक्टिकली कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ शेयर्स यू कैन बाय बैक। तो बेटे उसको हम करेंगे बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशंस में। क्वेश्चन 2A का थर्ड पार्ट आया था जून 2019 में और बेटे कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी जून 2019 में आ गया, 5 पार्ट्स आए प्रैक्टिकल के। 20 से 25 नंबर आ रहा है बेटे, मेरा इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस में प्रैक्टिकल दे रहा है। आइए कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स आपको बताया जाएगा, कुछ डाटा दिए जाएंगे कि हमने ये डिबेंचर्स कन्वर्ट करने हैं, अब हमने कन्वर्ट कर दिए, अब हम बोनस शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो कितने मैक्सिमम बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, बेटे ये बातें पूछी जाएंगी। और बेटे लास्ट में 5th क्वेश्चन कैपिटल मार्केट का पहला क्वेश्चन, बेटे दो क्वेश्चन करने हैं ना, दो बार तो ऑप्शंस के ऊपर आ चुका है बेटे, कॉल ऑप्शन
पुट ऑप्शन स्ट्रेटजीज पूछी जा सकती हैं। हमने बड़ा ज्यादा अपने लेक्चर्स में प्रैक्टिकल का मिक्सचर दिया है। स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की बातें बताइए बेटे, लाइव मैंने अपने अकाउंट से आपको ट्रेडिंग सिखाई है, तो आपको प्रैक्टिकल भी समझ आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी समझ आएंगे और लॉस के लिए बेसिक कंसेप्ट भी समझ आएंगे। और उसके लिए आप क्या करें, ट्रेलर नेक्स्ट लेक्चर मेरा देखें, उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए जो प्रीरिक्विजिट्स हैं बिफोर स्टार्टिंग सिक्योरिटी लॉस एंड कैपिटल मार्केट, व्हाट शुड बी द प्रीरिक्विजिट नॉलेज यू शुड हैव। आइए आइए, कहते हैं जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बदतर। बेटे इस दुनिया में जो जीतता है ना 25 अगस्त और 25 फरवरी, आप समझ गए मैं दो तारीख कौन सी बोल रहा हूँ, बेटे वही सिकंदर है, बाकी सब बंदर के बंदर है। अब सवाल आता है कि अगर हम सिकंदर बनेंगे तभी हमें कोई मिलेगा, तो उसको बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं कहूंगा कि आप इसको पहली बार थ्योरी का पेपर ना माने, इसको प्रैक्टिकल माने और इसका एक अलग से मोटे वाला बिट्टू का रजिस्टर बनाए। दूसरी बात बेटे, मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारी बातों को लिखवाऊंगा कंसेप्ट के हिसाब से। बेटे पहली बार ऐसा हुआ जो भूपेश आनंद ने जो बुक बनाई सिक्योरिटी लॉज और कैपिटल मार्केट को कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी मैं आपको अपनी बुक दिखाता हूँ, अपना कवर दिखाता हूँ। बेटे हर चैप्टर को हमने उसके लर्निंग आउटकम्स को कंसेप्ट बनाया, उस कंसेप्ट में क्वेश्चंस लिखे, आंसर्स लिखे और कहाँ कहाँ आ चुके हैं बेटे वो सब कुछ लिखा। मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, फिर आपको शायद थोड़ा ज्यादा विश्वास हो कि भाई ये देखिए साहब मेरा इंडेक्स है बुक का, लिस्ट ऑफ रेगुलेशंस हमने पहले ए पॉइंट में लिखा, फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमने लिखे, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हमने सेबी के, और फिर बेटे हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दूसरे किए और फिर हमारी कहानी शुरू हो गई बेटे 70 मार्क्स की। इसका मतलब मैंने अपनी बुक में अलग से प्रैक्टिकल को एम्फोसिस दिया। फिर 70 मार्क्स की जब शुरू हुआ सिक्योरिटी लॉस, तो बेटे हमने सारे 3 एक्ट लिखे जैसे मैंने अभी बताया, 11 रेगुलेशंस लिखी। और मजे की बात आपको जो मैं बताऊं, मैं ईमानदारी से अभी बताऊंगा बेटे मैंने इसमें कंसेप्ट्स कितने लिखे, ये मैं चाहता हूं कि आप जरूर देखें और उसको 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 देखने के बाद आपको समझ आएगा कि सच में यार मेहनत की गई है। आइए मैं एक बार वो फाइल मिस हो गई, मैं बेटे एक बार आपको चाहता हूं कि आप एक बार उस बुक को देखें जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, बड़ी मेहनत से बनाई है बेटे, बहुत मेहनत लगी है। आप किसी भी चैप्टर को खोल लो, मैं ऐसी बेरे अंधारे से खोल दिया। अब ये देखिए मैंने किसी भी चैप्टर को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया, जैसे ये सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, जो हम एक्ट नंबर 2 करेंगे बेटे, मैंने इस एक्ट को, मैंने सारी रेगुलेशंस को कंसेप्ट्स में डिवाइड किया। पहली बार इंडिया में ऐसा बेटे किसी भी टीचर ने, आप चेक कर लीजिए यूट्यूब पे, आप चेक कर लीजिए बुक्स, किसी ने भी कंसेप्ट्स में डिवाइड नहीं किया बेटे, भूपेश आनंद ने डिवाइड किया है और उसमें हर कंसेप्ट के क्वेश्चंस लिखे हैं बेटे। देखो जैसे पहला कंसेप्ट है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, व्हाट आर द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, बेटे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, कोटेशंस लिखी हैं और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ चुका है या किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कई बार आंसर तो सेम ही होता है, जैसे ये है What are the composition of SEBI board? Or SEBI has established the objective of protecting the interests of the investors and to promote the development. This. What discuss the composition and initiatives taken by this. बेटे ये CS के old syllabus में आया था। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने हर एक्ट को, हर रेगुलेशन को, हर मार्केट के चैप्टर को मैंने प्रैक्टिकली कंसेप्ट्स में डिवाइड किया और उसको क्वेश्चन आंसर में किया, उसके बाद मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो बेटे आप समझ लीजिए कि पहली बात आपको सिकंदर बनने के लिए रजिस्टर बनाना है, तो बेटे जो मैं क्लास नोट्स लिखवाऊंगा यकीन मानिए आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूं और मैं कभी भी बाहर निकल के आ जाऊंगा आपको कमर सीधी करके बैठ के क्लास नोट्स लिखने बेटे उन 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 तीसरी बात, वो जो क्लास नोट्स लिखने हैं या जो लॉस बनाने हैं या जो मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे हमें मेन देखना है इंटेंशन बेटे, नियत। कहते हैं wherever there is a will there is a way, लॉ मेकर्स की नियत क्या थी ये बनाने के लिए, लॉ मेकर्स चाहते क्या थे, लॉ मेकर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था। बेटे मैंने इन बातों पर ध्यान दिया तभी मैं CA CS CMA और बड़े सारे कोर्सेज और कर पाया, क्योंकि मैंने इंटेंशन को देखा। आइए चौथी बात, मैं कहता हूं कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और बड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। 20 से 25 नंबर बेटे प्रैक्टिकल आ रहा है जैसे आपने अभी देखा। बेटे समरी बनानी बहुत जरूरी है,
आप जब ऐप पढ़ लेंगे, क्लास नोट्स लिख लेंगे, स्टडी मटेरियल को नजर मार लेंगे, तो बेटा समरी बनाएंगे, क्योंकि लास्ट में समरी को तो रिवाइज करते हैं। जब मैं सीए के पेपर दे रहा था, सीएस के दे रहा था, सीएमए के दे रहा था, अमेरिकन दे रहा था, बेटे समरी ने मेरी बड़ी मदद की। और दो बातें, हाईलाइटर, देखो मैंने पूरे आपके स्लाइड्स को हाईलाइट किया है। बेटे आपको दो हाईलाइटर खरीदने, ये दूसरे मटके में मैंने लिखा येलो कलर का और ऑरेंज कलर का, दो हाईलाइटर लेने बेटे। इसके साथ साथ मैंने एक बात बड़ी प्यारी से लिख दी, अगर सब कुछ नहीं भी है तब भी चलेगा बेटे, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड, एक चीज को पाने का पागलपन, नशा, संकल्प शक्ति की मुझे ये चीज पानी है और इस ईयर तक ही पानी है बेटे, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सारी दुनिया एक तरफ और आपके मन की संकल्प कि मेरे को ये काम करना है, मैं कर सकता हूं बेटे, वो एक तरफ। सारी दुनिया कहे ना कि आप फेल हो जाएंगे, सीएस नहीं बन सकते, और आपके मन में है ना कि आप बन जाएंगे, 101% आप बन जाएंगे, और बेटा सारी दुनिया कहे कि आप सीएस बन जाओगे, और आपके मन में है कि मैं नहीं बनूंगा, तो नहीं बनोगे बेटे। बेटे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो आपको मन से जीतना है। मन को जीतने के लिए पॉजिटिव थॉट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप रोज कभी नेगेटिव से डील करोगे, कभी पॉजिटिव से डील करोगे, उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है बेटे, ये हम लेक्चर्स में सिखाएंगे। और मैं अभी एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं बेटे, एक लड़की प्रेमा जयकुमार जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी है बेटे, सीए में पहली बार उसने पेपर दिए, रैंक 1 आई, पूरी इंडिया में टॉप आया बेटे, ऑटो पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर, और ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी बेटे, क्या रिसोर्सेज होंगी उसके पास। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि उसके पास खाने को बांधे थे, पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थी, लेकिन मन में विश्वास था बेटे, उसी विश्वास से वो जीत गई। आइए एक मिनट के लिए हम उस वीडियो को देखें, एक मिनट के लिए। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी प्रेमा जयकुमार, आप भी बन सकते हैं सीएस अगर चाहे तो। नाम प्रेमा जयकुमार, उम्र 25 साल, जन्म ऑटो रिक्शा चालक की बेटी बन गई सीए। रिक्शा टॉप करने वाली प्रेमा की कामयाबी ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। जिंदगी के इस छोटे से सफर में प्रेमा ने जो कुछ हासिल किया उसमें गरीबी, गरीबी घर देखा उसका। मुंबई में ऑटो रिक्शा चालक और घर में काम करने वाली माँ की बेटी है, लेकिन दिल में हौसला है तो ऊंची उड़ान मुमकिन है। आपके मन में हौसला होना चाहिए किसी चीज को पाने का, बाकी ये चीजें तो बेटा बेकार की हैं। आइए आइए मैं भूपेश आनंद आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ कि आपको शाहरुख खान कुछ कहने वाला है। आइए बेटे मैं आज चाहता हूँ कि आप एक बार शाहरुख खान की बात को सुने। मूवी है ओम शांति ओम। शाहरुख खान का सपना होता है कि उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिले और बड़ी मेहनत करता है उसके लिए। तो इस मूवी से, इस इंसिडेंस से मैं बताना चाहता हूँ कि आपके भी सपने होने चाहिए, और सपने होंगे तो बेटे उनको पाने के लिए कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। देखिए क्या कह रहा है शाहरुख खान। अब जो बोलने वाला है शाहरुख खान सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी चीज को पाने में लग जाओ तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी उसको आपको देने में। कहते हैं अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।
पूरी कायनात तुमसे मिलाने में लग जाती है और कुछ देर के बाद इसी मूवी में कुछ समय के बाद उसको अवार्ड मिल भी गया और फिर वो याद करता है कि जब मैं कर्म कर रहा था और मैंने सपने बनाए थे आज वो पूरे हो गए। तो आपको मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि सपने बनाने कैसे हैं और उनको विजुलाइज कैसे। मैंने फॉरवर्ड कर दिया, मैं चाहता हूँ मेन बात को आप ध्यान से देखें और अपने अंदर तक जहन तक उतार दें और आप भी लाइफ में वैसे ही बन के दिखाएं अपने पेरेंट्स के लिए, जिन पेरेंट्स ने आपके लिए इतने वर्षों से सपने बनाए हुए बेटे, बड़ी तपस्या की बेटे आपके पेरेंट्स ने। सुनना, इतनी शिद्दत से मैं तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जगह में मुझे तुमसे मिलाने की साजिश। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बेटे कोई चीज भी इस दुनिया में आप चाहो तो उसको देने के लिए कायनात, बेटे कायनात नेचर मदद करता है। तो आप बस दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मुझे आने वाले 25 अगस्त या आने वाली 25 फरवरी को ये ग्रुप पास करना है और मुझे ट्रेनिंग यहाँ पे करनी है, वो बाकी मैंने कैरियर वाले में बता दिया था। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज आपसे अलविदा ले रहा हूँ। एक लेक्चर और बेसिक प्री रिक्विजिट्स का, बेटे मैं कहता हूँ कि ये काम करने के लिए आपके पास ये चीज होनी चाहिए, इस पेपर को पढ़ने के लिए यू शुड हैव सम प्री रिक्विजिट नॉलेज। बेटे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा और उस लेक्चर का नाम डालूंगा प्री रिक्विजिट बिफोर स्टडिंग सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट। बड़ी प्यारा सा बेटे वो लेक्चर है, आप जरूर अटेंड करना, आपका ज्ञान बढ़ेगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।